हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर ट्रू लव, कौन है आप लोगों का सच्चा प्यार। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देखते हैं कौन है आप लोगों का ट्रू लव, हु इज़ योर ट्रू लव। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देखते हैं कौन है व्यूअर्स का ट्रू लव। गाइस कलेक्टिव एनर्जी है तो आपने किसी चीज़ को ज़्यादा फिक्स नहीं करना पर्सनल लेके, ठीक है? जनरल एनर्जीज को जनरल की तरह लेना है। लेट्स सी, सो फर्स्ट वी हैव, इट्स अ मेरिटीमर, इट्स अ फिशरमैन, एक्सप्लोरर। दिस पर्सन कुड बी एक्सप्लोरर, हो सकता है इस इंसान को ट्रैवल करने का काफ़ी शौक है, या फिर ये इंसान अब्रॉड हो सकता है, अब्रॉड से। यस, अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ फिशर मैन, और फिशर पर्सन, फिशर मैन की एनर्जी है। या बट ये ऐसा पर्सन है गाइस के जो बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक ट्रैवल करता है, ओशन ट्रैवल स्पेशली। इनका कुछ वर्क भी ऐसा हो सकता है। यस, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ नेवी। यस, लेट्स सी, वी हैव एडवेंचरर। यस, इस इंसान को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक्सप्लोरर की एनर्जी आ रही है। दिस वन इज ऑल्सो एक्सप्लोरर, सेम रिपीट हो रही है एनर्जी गाइस। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे ना ट्रैवल का शौक है। दिस पर्सन कुड बी अ फॉरनर, ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है, दैट्स वाई काफ़ी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवल करते हैं जी, लाइक डिफरेंट जैसे कंट्रीज हो गई। आई एम नॉट सेइंग सिटीज़, नो सिटीज़ नहीं, मुझे अब्रॉड ये इंसान दिख रहा है लाइक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हुआ, या न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इस पर्सन को पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, न्यू लाइक चीज़ों को ट्राई करना कि हर टाइम चिल करने के लिए एडवेंचर किया जाए, लाइफ को बहुत ज़्यादा एक लाइवली ये इंसान जीने वाला पर्सन लग रहा है मुझे। वी हैव डाइट, दिस पर्सन कुड बी आर डाइट कॉन्शियंस, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन हो सकते हैं, हो सकता है इस इंसान को फास्टिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। यस, अदरवाइज कुछ लोगों का अपना प्रोफेशन न्यूट्रिशन हो सकता है। यस, और मे बी दिस पर्सन कुड बी अ वेरी सेलेक्टिव रिगार्डिंग स्पेशली फूड और डाइट। या ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना डाइट कॉन्शियस है, ये जो आपका ट्रू लव है, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा चूजिंग है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव फूड को पसंद करते हैं, खाना हर चीज़ नहीं खाना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है। हो सकता है इनको ज़्यादातर वेजिटेबल्स पसंद है, या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का लाइक यूजेस ज़्यादा हो सकते हैं इनकी लाइफ में। वी हैव फ्लड, इट्स अ वाटर डिज़ास्टर। ओके, ये पर्सन वो है गाइस, या तो इन्होंने कोई अपना हो सकता है खोया है फ्लड में, कोई ना कोई लॉस किया इस पर्सन ने सी में, क्योंकि ये पर्सन है, इसका ना इस पर्सन का कोई ना कोई लिंक यहाँ पे डेफिनेटली है विद द ओशन और सी। यहाँ तो वाटर फोबिया हो सकता है इस पर्सन को। बिकॉज मुझे लग रहा है इन्होंने कोई ना कोई ऐसा वाटर स्ट्रॉम देखा है, कोई ना कोई ऐसा, हो सकता है कि इंसान कभी डूबे भी हों पानी के अंदर, दैट्स वाई इनको एक ट्रोमा है या वाटर का फोबिया है जिसकी वजह से इंसान डरते हैं। लेकिन स्टिल ऑब्वियसली इनका कुछ वर्क ऐसा है जो इनको लाइक करना पड़ता है। यस,
Now let's see more. Two more cards. Who is your true love? Okay. One more. Who is your true love? Okay. We have knight. It's a defender. Special intelligence. ये person intelligence से भी हो सकता है guys. Military से लग रहा है मुझे ये person. This person could be in a force or army. क्योंकि defender है that's why. And then we have alternative sexuality. Oh. ये person काफ़ी romantic है. Definitely. Yes. तो इनको काफ़ी ज़्यादा रोमांस पसंद हो सकता है. दिस पर्सन वुड बी अ वेरी लाइक एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे इन काफ़ी रोमांटिक हैं और काफ़ी हद तक इनको वो स्टफ पसंद हो सकता है करना. समझ गए होंगे आप मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो गाइज दिस पर्सन वुड बी अ अचीवर. सेलिब्रिटी हो सकते हैं कुछ लोग. ये पर्सन जो है ना गाइस किसी तरह से चैम्पियन हो सकता है कहीं का रहा हो. यस. इनको ऐसे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी अ ऐसा मतलब ये पर्सन एक ऐसा पर्सन लग रहा है मुझे कुछ लोगों की साइड से क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरल एनर्जी है. सो सबके लिए एनर्जीज डिफरेंट आएंगी. दिस पर्सन कुड बी अ अचीवर. ये हो सकता है रिंग में फाइट करते हैं या और कभी भी ये पर्सन फेल नहीं हुए. कोई भी इनका कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता क्योंकि इस पर्सन को विक्ट्री पसंद है. हमेशा ये पर्सन जीतते आए हैं. कुछ लोग हो सकते हैं सेलिब्रिटी हो सकते हैं. अकॉम्प्लिशमेंट की एनर्जी है कि इन्होंने जब भी कोई फाइट वगैरह की है रिंग में तो वो इनको अचीव लाइक इन्होंने किया है. लाइक ये पर्सन सक्सेस इनको मिली है. फिलोसोफर हो सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से. वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. दिस पर्सन कुड बी अ साइंटिस्ट और बुक रीडर. राइटर हो सकता है. फिलोसोफर हैं डेफिनेटली. फिलोसफी से रिगार्डिंग जो हो सकता है कोई ना कोई बुक्स वगैरह इन्होंने खुद इनकी अपनी पब्लिशर भी हो सकते हैं लेकिन मुझे राइटर स्पेशली दिख रहा है. बुक राइटर. या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो. हु इज़ योर ट्रू लवर. हु इज़ योर ट्रू लव. Who is your true love? दिखने में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं. चार्मिंग हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा फिट बॉडी लग रही है मुझे इनकी क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्सन वुड बी अ रिंग फाइटर दैट्स व्हाई. Who is your true love? Who is your true love? Okay. We have the tower. ये पर्सन वो है गाइस जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखी है और हो सकता है इस टाइम आप लोगों के इनके साथ कोई ना कोई एंडिंग चली हुई है. लाइक आप मिल नहीं रहे इनसे विद अ टावर. अगर मैं यहाँ पे जनरल बात करूँ तो दिस पर्सन कुड बी अ पर्सन जो कि आपके पास से हो सकता है जिसके साथ अभी आपका क्लैश चल रहा है या फिर आपके और इनके दरमियान सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही विद अ टावर. या तो आपके और इनके दरमियान ख़त्म हो गया सब कुछ या फिर वैसे ही कॉन्टैक्ट नहीं है विद द टावर. एरिस एनर्जी है. नंबर 16 एंड 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है बट ऑल्सो इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि इनकी हो सकता है काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योटिक चल रही हैं इनकी लाइफ में. एक तो मुझे इस पर्सन की अपनी लाइफ में हेल्थ भी ख़राब लग रही है लाइक इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी हेल्थ इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है इन्होंने स्ट्रगल देखी है. दैट्स वाई क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्शन मोड पे चल रही हैं. एंड विद द टेम्परस ये पर्सन लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया. इनका कुछ ना कुछ ट्रॉमा ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड का पास्ट का जो कि इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया उस चीज़ से. एंड विद द टेम्परेंस ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज किया है और काफ़ी हद तक अपने आप को ऐसा पर्सन है जो मॉडरेट हो जाते हैं. इनको बोलने में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ब्लबरिंग हो रही है आज की रीडिंग में. तो शायद हो सकता है इनका यहाँ तो थ्रोट चक्रा क्लोज्ड है यहाँ पर बात करते करते एकदम से ये खामोश हो जाते हैं क्योंकि इनका लाइफ का कोई ट्रॉमा ऐसा रहा होगा ये जिस जो अभी आपका ट्रू लव है. बट विद द टेम्परेंस बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर. ठीक है. बहुत ज़्यादा हीलर हो सकता है यहाँ पर. हो सकता है इन्होंने खुद को हील किया है. यस.
और कुछ लोगों की साइड से दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आपके और इनके दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस बन जाए, आपके साथ उनकी हारमोनी बन जाए और दोबारा से लव कनेक्शन स्टार्ट हो जाए या फिर एक न्यू कनेक्शन। बट मुझे पास का पर्सन दिख रहा है ऑब्वियसली, सेगिटेरियस एंड एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 14 एंड 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 7 भी, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग लुक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जो भी आपके ट्रू लव हैं गाइस, ये ऐसा पर्सन है जो हर एक इंसान को इंस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन कुड बी अ फ्लर्टियस टू, ऐसा फ्लर्टी नहीं है कि उसके चक्कर चल रहे होंगे कहीं पर, बट वैसे इनकी नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जोली सी, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने वाला ये पर्सन है। काफ़ी हैप्पी फेस है, हैप्पी आइज़ है उनकी, एक इंथ्यूसिज्म उनकी फेस से दिखता है, ऐसे लग रहा है जैसे लाइक इनके बहुत ज़्यादा फॉलो, लाइक अगर ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी या फॉलोअर्स हो सकते हैं, अदरवाइज इनके फ्रेंड सर्कल हो सकता है जहाँ पर इनको काफ़ी हद तक जो है वो हर एक से यू नो गैदरिंग में मिलना, गॉसिप वगैरह करना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइक लोग इनको देख के एक्साइटेड होते हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये इंसान विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है ये पर्सन जो आपका ट्रू लव है, एंड डेफिनेटली आप इनको इंस्पायर कर रहे हो बहुत ज़्यादा और ये आपसे काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, दैट्स वाई आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हेलो बोलना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। बट ये पर्सन चाहे दिखने में बहुत ज़्यादा इमेच्योर है या इनकी एज भी यंग है, बट स्टिल दिस पर्सन हैव अ वेरी शार्प माइंड, लाइक काफ़ी क्लेवर है ये पर्सन, इसको आप बिल्कुल भी कभी ना समझने की गलती नहीं करना, ठीक है। एरिस लियो सेगिटेरियस इनका यहाँ आपका स्टार साइन हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हैं इनमें, एंड ऑल्सो ये अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है वो सीख गए हैं, क्योंकि इनके लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसे रहे हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के साइड से ऐसे दिख रहा है, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग सिचुएशन हो गई है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ इस सब सिचुएशन को हैंडल किया, बट राइट नाउ ये काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है आपको छोड़ने के बाद, आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ से ये काफ़ी ग्रो हुए हैं, इन्होंने खुद को हील भी किया है, एंड ऑल्सो उनको लगता है कि आप भी हील कर सकते हो उनको, और इन्होंने जो अपने इमोशंस आपको लेकर इस टाइम काफ़ी हद तक जो सप्रेस्ड किए हुए हैं ये उसको डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहते हैं। यस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है। वन मोर कार्ड, ओके, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है खुद भी ये पर्सन, एंड ऑल्सो इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि ये पर्सन मुझे यहाँ तो कम्युनिकेशन फील्ड से दिख रहा है, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी टॉकेटिव, इनको बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बातें बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, बट दिस पर्सन कुड बी टॉक टू मच समटाइम्स, इंसान जैसे लाइक शायद आप यहाँ तो कभी पास्ट में हो सकता है हो गए हो बोर कि क्या हर वक्त भाई पर्सन बोलता ही रहता है इनको थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है गाइस, लेकिन इस टाइम आपसे बात करने के लिए थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इन्होंने कंट्रोल किया खुद को, दैट्स वाई बात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन शायद काफ़ी टाइम से इनकी लाइफ में जो चीज़ें चलती रही हैं उस वजह से शायद बात करना चाह भी रहे हैं, लेकिन वो लाइफ में एक्सपीरियंस जब आपके ऐसे हो जाते हैं तो इंसान बात करना भी चाह रहा हो तो आप चेंज हो जाते हो, शायद पास्ट में ये इंसान बहुत टॉकेटिव थे बट अभी हो सकता है शायद चेंज हो चुके हैं, क्योंकि एनर्जीज ऐसी बता रही हैं मुझे यहाँ पे, दैट्स वाई। बट इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत है गाइस, ये जो भी आपके ट्रू लव हैं आपसे बात करना चाहते हैं, जो इन्होंने काफ़ी टाइम से छुपाई हुई हैं, दबाई हुई हैं, इमोशंस, रोमांस, लव आपको बताना चाहते हैं आप कि क्या फील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बात हो सकती है इनसे, अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है फिजिकली भी आपको मिल सकते हैं। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फूल, यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है, दिस पर्सन कुड बी अ फॉरनर और लिविंग इन अब्रॉड, यहाँ ये पर्सन ट्रैवलर है और आपसे बात करना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे हैं, पास्ट में हो सकता है केयरलेस रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बट अभी ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप लोगों को लेकर, आपसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है और बिल्कुल एक मैच्योरिटी के साथ
और सोफिस्टिकेटेड वे में ये इंसान आप लोगों से बात करेंगे, आपके ट्रू लव जो हैं। बट मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है आपके पास से। अगर ये पास से नहीं भी है तो दिस इज़ द पर्सन जो कि भी आपके फ्रेंड जोन से है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। यस, विद द फोर ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और उनको लगता है कि शायद आपसे बात अब कर लेनी चाहिए इनको, या ताकि ये फर्दर सैड ना हो और ये ना हो कि अपने इमोशंस को अपने तक रख के ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें और आप पता लगे किसी और के साथ चले गए हो, आपका किसी और के साथ कनेक्शन बन गया। सो दैट्स वाई ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। नंबर फोर भी इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। इस पर्सन की एज 20 प्लस या 30 प्लस हो सकती है। यस, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।